For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. जैकलिन फर्नांडिस के नक्षत्रों की जो दिशा है दोस्तों, आजकल कुछ बदलती हुई सी नज़र आ रही है। पहले वो रेस के सेट में अपने आप को इंजर्ट करती हैं, उसके बाद रिसेंटली उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है माइनर सा, वो भी कार्टर रोड बैंड्रा में। चलिए बताता हूँ क्या है किस्सा। दरअसल भाईजान सलमान खान का जो अपार्टमेंट है, गैलेक्सी अपार्टमेंट, जहाँ पर मैं आपको लेकर गया था, वहाँ पर रेस 3 के एंटायर टीम की एक पार्टी चल रही थी। ये जो पार्टी शुरू हुई 10:30 बजे से शुरू हुई रात के दोस्तों, और उसके बाद चलती रही। जैकलिन फर्नांडिस वहां से सलमान खान और बाकी सारी टीम को बाय बाय कहकर निकलती हैं 2:20 AM को, और 2:45 AM को उनका एक्सीडेंट हो जाता है कार्टर रोड बैंड्रा में, जहां पर उनकी गाड़ी जो है ऑटो रिक्शा में हिट कर जाती है। फॉर्चुनेटली दोस्तों, वहाँ पर कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जिसको चोट लगी हो, जिसको माइनर सी भी इंजरी हुई हो, बट हाँ, जैकलिन फर्नांडिस की जो बड़ी सी कार है उसकी हेडलाइट फूट चुकी है और जो ऑटो का पीछे का पोर्शन होता है वो भी थोड़ा टूट चुका है। अच्छी बात है दोस्तों कि किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, किसी का भी कोई जान माल की हानि नहीं हुई, बट मैं जैकलिन फर्नांडिस को ये ज़रूर कहना चाहूँगा, एक बार न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर किसी से भी अपने नक्षत्रों की दिशा को ज़रूर चेक करवाइए, क्योंकि आजकल जो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ वो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स बनते जा रहे हैं। जैकलिन, अच्छा है आप सही सलामत है। अब रेस 3 जो दोस्तों जल्द रिलीज़ होने वाली है, फिल्म का ट्रेलर जल्द रिलीज़ होने वाला है, मैं चाहूँगा कि सब लोग सही सलामत रहें, सुरक्षित रहें। आपको क्या कहना है दोस्तों इस बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।